Assalamualaikum. Welcome back to my channel Happiness and Creativity. First of all, thanks a lot for the love and support that you have given me. And just because of you, आज मेरे 1000 plus subscribers complete हो चुके हैं. Kindly keep watching my videos and keep supporting me. I have lots of creative ideas to share with you and we'll enjoy the crafting together. चले वीडियो स्टार्ट करते हैं. आज मैं एक और दराज अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आई हूं और ये मेरा मोस्ट अवेटेड पार्सल है जो कि मुझे तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद मिला है. सो काफ़ी एक्साइटेड हूं मैं. इसे ओपन करके देखते हैं. मैंने ये दराज से डाई कटिंग मशीन ऑर्डर की थी. इट्स लाइक अ स्मॉल क्यूट टॉय, बट ये छोटी सी मशीन बहुत काम की है. ये मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, क्राफ्ट बडी, और 8+ मींस 8 साल से बड़े बच्चे इसे यूज़ कर सकते हैं. मींस ये किड्स फ्रेंडली भी है. स्क्रैप बुकिंग एंड कार्ड मेकिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है ये. द पैकेज इंक्लूड डाई कटिंग मशीन एंड 2 एक्रेलिक प्लेट्स ए एंड बी. और इसी बॉक्स के ऊपर दूसरी साइड पे इसके 3 स्टेप्स मेंशन है जो आपको यूज़ करने के लिए इनको फॉलो करना होगा. लेट्स ओपन द बॉक्स. इसमें ये बुकलेट है जिसमें कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस हैं विद पिक्चर्स, सो आसानी से समझ में आ जाएंगी. अदरवाइज़ ये काफ़ी आसान है इसे यूज़ करना. नेक्स्ट इसमें ये देखें, एक्रेलिक प्लेट्स ए एंड बी. दोनों प्लेट्स की जो थिकनेस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. जो हमारी बेस प्लेट है, मतलब जो नीचे आएगी डाई कट के, वो थोड़ी सी थिक है. It's a plastic body machine and as it's a manual machine, so it has a small handle. और इसमें सक्शन भी है for the grip. ये काफ़ी firmly attach हो चुकी है, so let's see कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है. इसमें ये metal die cuts use होते हैं जो कि मैंने separately buy किए हैं. सबसे पहले acrylic plate के ऊपर हम ये एक card sheet रखेंगे और उसके ऊपर अपना मेटल डाई कट की जो रफ़ वाली साइड है ना, वो रखेंगे. स्मूथ साइड को हम ऊपर की साइड रखेंगे. उसके ऊपर फिर हम जो हमारी सेकंड एक्रेलिक प्लेट है, मींस जो थिन वाली प्लेट है बी, वो इसके ऊपर रख देंगे. जस्ट लाइक अ सैंडविच, ये एक सैंडविच सा बन जाएगा और जिसे फिर हम जो मशीन में ये कैविटी है उसके अंदर इसे इंसर्ट कर देंगे. काफ़ी स्मूथ है ये, बट फर्स्ट टाइम यूज़ में आपको कुछ अजीब सी साउंड सुनाई दे सकते हैं. तो उसके लिए मैं ये कहूँगी कि पहले तो आपने घबराना नहीं है. मीन्स अगर ये देखें, इस टाइप का साउंड अगर सुनाई दे तो डोंट वरी. अगर आपका हैंडल इजीली मूव कर रहा है तो देर इज़ नो नीड टू वरी. चलिए हम इसे निकाल लेते हैं. Sorry for the kids background noise. So nice. उसी कार्ड शीट पर मैं एक और डाई कट निकाल रही हूँ बिकॉज इसमें भी काफ़ी सारा स्पेस बाकी था. तो अगर आपके स्मॉल डाई कट्स हैं तो एक साथ आप 2-3 डाई कट्स भी कर सकते हैं. सेकेंड टाइम यूज़ करने में अब ये मशीन और भी ज़्यादा स्मूथली रन कर रही है. आई एम रियली इन्जॉइंग दिस टॉय. मुझे प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आया बिकॉज काफ़ी कन्वीनियंट साइज़ है इसका. बट एक डाउनफॉल है कि जो बिग साइज़ के डाई कट्स हैं वो इसमें पूरे नहीं आते, बट स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए इट्स परफेक्ट. If you like the video, please give it a thumbs up, share with your friends and kindly subscribe my channel Happiness and Creativity for more videos. Don't forget to press the bell icon for the updates. See you in my next video. Till then, Allah Hafiz.